देवदार का पेड़ है ये सब। देवदार क्या होगा? चाय पे चर्चा कर मोदी जी का, चाय पे चर्चा। यहाँ के लग रहा है बिल्कुल पीस में है, शांति में है। हे गाइस, स्वागत है ऑन माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और आज टाइम है मिलने का मेरे फ्रेंड भास्कर आनंद से, जिसे मैं BDC बुलाता हूँ, जो सिर्फ मैं ही बुला सकता हूँ। और आज चले हम लोग बाइक राइड पे मुक्तेश्वर साइड और अपना ये गरुड़ा के साथ। वाह, कितने सारे लोग आ रखे हैं। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर 0 पॉइंट। भास्कर भाई को दिखाना था यहाँ से हिमालय कितना खूबसूरत दिखता है। वाकई यार, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। कैसा लग रहा है भास्कर यहाँ से? बहुत अच्छा, ऑसम फीलिंग। यहाँ के लग रहा है बिल्कुल पीस में है, शांति में है। हाँ, बहुत ज़्यादा पीसफुल है ना। हाँ, बिल्कुल नेचुरल, नेचर के बीच में। मन तो कर रहा है यहीं पे एक खाट डालूँ और दिन और रात बिताऊँ। यहाँ पे मजा आ जाएगा ऐसे भी रात बिताने में। किस चीज़ का? वो शाम हुआ ना तो लोग घर में वो लक्कड़ वगैरह जलाते हैं गर्मी के लिए। अब हम लोग चलने वाले हैं चौली की जोली, जो साइड में है, थोड़ा सा ट्रैक करके चलेंगे हम लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वहाँ से नीचे का व्यू दिखेगा, वो रामगढ़ मुक्तेश्वर वाला एरिया। तो भास्कर बाबू, हम चल रहे हैं अभी चौली की जाली पे, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे इन जंगलों में। देखो, देवदार का पेड़ है ये सब। देवदार क्या होगा? इस पेड़ का नाम है। वहाँ से कैंपिंग उस साइड, मतलब इस एरिया में अभी कैंपिंग यहाँ पे कोई नहीं किया है स्टार्ट। अच्छा, कितना चढ़ाएगा? होंगे 50 स्टेयर होंगे इस तरह से। आप क्यों ना थक जाओ? अब अनमोल बता ना, क्यों हफ्ता है? बताते बताते आपके हाँफ रहे हो ना। हाँ भाई, अब पता चला होगा मैं वीडियो में क्यों हाँफते रहता हूँ। भास्कर भाई, यहाँ आया तू? हाँ। देख अभी नीचे कितना दिख रहा है। हाँ। ये नीचे का पूरा गांव है। हम लोग उस समय वहाँ पे थे, पहाड़ के उस साइड। अच्छा, वहाँ से दिखा रहे थे ना इस तरफ के, उधर से दिख रहा था। तो हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं ना कुछ। हाँ, चाय पे चर्चा करते हैं। मोदी जी का चाय पे चर्चा। देखो भास्कर, मेरे साथ घूमने आते हो ना तो हमेशा एक चीज़ ख्याल रखना कि मेरा हमेशा डायलॉग होता है कि मंजिल ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सफ़र को एंजॉय करो। बिल्कुल, मज़ा हमेशा सफ़र में है। तुम इतना दूर आए हो ना, यहाँ आने का कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे हो वो स्पेशल है। वो स्पेशल है ना, यहाँ भी स्पेशल है। हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से नीचे कई हाँ। दुनिया बसी हुई है। नहीं वो तो है, लेकिन मतलब मेरा उसको देख पा रहे हैं। हाँ, है ना। तो अभी हम लोग मंदिर जाने की बहुत इच्छा थी, मुक्तेश्वर टेम्पल। मैं आज तक नहीं आया, यहाँ चारों तरफ आया लेकिन टेंपल नहीं आया। नहीं, टेंपल तो बहुत जरूरी था कि तेरे साथ आ गया। एक बार महादेव का, भोले बाबा का। पता, जब यहाँ पे बर्फ़ गिरता है तो ये सब पे बर्फ रहता है 3-4 फीट। अच्छा भाई, पूरा लोगों का आना जाना बंद, रास्ता बंद लोगों का। अच्छा, लोग घर में ग्रोसरीज रख लेते हैं। अच्छा जी, 1-2 महीना का। हाँ, 1-2 महीना ग्रोसरी स्टॉक कर लेते हैं। अनमोल, अब समझ में आया कि तुम्हारा जो वेट है वो क्यों लॉस हुआ है? इतना ये है बाबा का दरबार। घंटे जाने, जूते खोल ले। जूता यहीं पे खोल लेते ना। घंटी में जो जूता खोले कैसे बजा दिया आपने? यहाँ देखो कितना रेट दिख रहा है ये पेड़ के अंदर से, देखो। हाँ यार, है ना। हम घंटी बजाएंगे वीडियो करने। यहाँ अनमोल, घंटी बजाने वाले हो ज़्यादा। जय भोले बाबा। जय जय भोले बाबा। भैया, ये होता है भोला बाबा का बुलाना। बुलाना है मुक्तेश्वर बाबा। हम लोग बस माता का दर्शन करके निकले, मुझे लगा यही टेंपल है। मेन टेंपल तो ऊपर है। मेन तो भोला बाबा ऊपर में है। तो भास्कर भाई, चल लो अब बोटिंग पे। आ जाओ बैठो। इस पे जाना है, उस पे जाना है? इस पे जाना है भैया। ये 400 है, ये 600। अच्छा, सीटिंग का पैसा है।
आज फोर्ड पे चलते हैं ना। अच्छा बैठ, कितना देर घुमाओगे भैया? ये 25 से 30 मिनट का। ओके भाई, पूरा सजा के रखे हो आप। आप यहीं के हो भैया, लोकल हो? अच्छा लगा। ये कितना गहरा होगा? ये 185 फुट गहरा है। 185 फुट गहरा, डूब गए नीचे तो खत्म। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, नीचे जल और ऊपर हम बोट में। बोटिंग पहले हम लोग पार्क में करते थे भुवनेश्वर में, याद है? वो नंदन कानन जा करके, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, बड़ा क्रॉस इस तरफ सेंटर सेंटर में होगा। भास्कर बाबू को आज लाए हैं हम कैकिंग कराने के लिए, जो मेरा फेवरेट एडवेंचर है ये। मैं हमेशा आता हूँ भास्कर गोविंद भाई के साथ, गोविंद भाई का लेता हूँ, ठीक है? तो आपको, तुम्हें कैसा लग रहा है सो बता। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। तुम तो चप्पू चला ही नहीं रहे हो, चलाओ एक बार। मैं कैमरा पकड़ा हूँ, तुम चलाओ। अभी चलाता हूँ। दोनों हाथ को बैलेंस रखो एक साथ, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। हाँ, सीधे स्ट्रेट ले चलो। इस नौका को किनारा तुम ही लगाओगे भास्कर बाबू। ए भैया, ले चल रहे हैं भैया। देखना बीडीसी, बस डुबा मत देना, समझ रहे हो? थर्ड डे, फोर्थ डे है ना आज? हाँ, आज फोर्थ डे है। और सुबह सुबह में सुबह सुबह बिरयानी खा रहे हैं। नहीं, अभी तक मैं जितना टेस्ट करवाया ना बाहर का, सब सारे के सारे एकदम एक नंबर टेस्ट बिरयानी। तो भास्कर भाई कॉफ़ी ले आए? कॉफ़ी पीजिए, चाय सुट्टा वार्ड का। सुट्टा अलाउ नहीं है। चाय सुट्टा वार्ड में सुट्टा अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो भास्कर भाई को टॉयलेट जाने के लिए भी जाना पड़ेगा भाई वहाँ पे। और मॉल रोड पे बड़ा मन करते हुए, मॉल रोड पे टॉयलेट है एक स्टार्टिंग में, एंड देन फिर यहाँ पे स्टैंड का ऑटो वाले के पास। फिर तुम फ्रेश फ्रेश फील करोगे। हाँ, फिर घूम पाओगे अच्छे से। ऐसे भी क्राउड कम है, सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा होता है, शाम के टाइम में ज़्यादा होता है। हाँ, ऑब्वियसली शाम के टाइम में ही लोग आते हैं। और अनमोल जी, सॉरी भाई, मेरा काम हो गया ख़त्म। अब बताइए आपको। क्या बताऊँ, ठंडा का मजा कैसा आ रहा है पहाड़ के? ठंडा बहुत अच्छा, और मतलब बिल्कुल ही, मतलब ये लगा लो कि मेरे घर पे काम चल रहा है, और जब भी काम चलता है कुछ रिनोवेशन का, तो मैं हर वीडियो कॉल पे हर मिनट पे करता, मेरा ध्यान लगा रहता है। और जब से यहाँ आया हूँ कोई ध्यान नहीं। घर पे कॉल करने, वीडियो कॉल बंद हो गया है? बिल्कुल, हर कुछ बंद। बिल्कुल, क्योंकि तुम इंगेज हो गए इधर। हाँ, ना ऑफिस ना कहीं कुछ, मतलब इधर ही, मतलब फुल सारा कंसंट्रेशन जो है अपना कट गया हूँ बिल्कुल दुनिया से। और मजा आ रहा है ना बस। हाँ, और कटना ही था दुनिया से थोड़ा दिन के, दो चार दिन के लिए, तो आदमी इसलिए तो बाहर जाते हैं। चलें फिर। तो भाई अब तो फाइनली जाना पड़ेगा तुम्हें, ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। पाँच दिन का जो है, मजा आया? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। पाँच दिन, अब जितना मजा आया उतना ही अब खराब लग रहा है जाने में। खराब तो मुझे लग रहा है यार, तुम इतने जल्दी जा रहे हो। बहुत अच्छा कटा यार। अब पूरा बोर होंगे, 10-15 दिन तो मेरे ऐसे ही कटने वाले हैं बोर्डिंग में। चलो मिलेंगे मिलेंगे भाई, आ रहे हैं दिल्ली, आ रहे हैं जनवरी में जो है। हाँ भैया, थोड़ा सा इसको पकड़ना है, इसको थोड़ा सा। चलो भाई, ओके, मिलते हैं, बाय बाय बाय। अरे पैसे तो ले आ उससे, 10 रुपए।